जा आ जाएगा, हाँ कल आ जाएगा, हाँ परसों आ जाएगा, जा। तेल मले कौन, तेल मले तो गहू मले कौन, गहू मले तो शक्कर मले कौन, एक ही बात है बता। अरे मैं बेटा कही कौन पूछो आप तकलीफ कणा मा तकलीफ है कही है कोई पूछो। आज सुनो के मारे बेटो हो कोई मर गयो है, बेटो मर गयो अजा हाल मारे मकान तो दबीटा पड़िया अपने जी के मकान रह रही हूँ, कोई ऊपर पानी पड़ रही है, फूट टूट वे रही है, मारे कौन करावे, बेटो ही मर गयो है। अब मैं कह रही हूँ तो मारी हुनाई करे कौन नहीं, तुम्हारी सुनाई वे नहीं सावे। ये यात्रा निकाल रहे हैं सब लोग कि सब जो लोगों को सुनाने के लिए कि आप भी सुनो, आप सुनो और सरकार को सुनाओ, क्यों कि सुनवाई करो और कार्रवाई करो। आपको तनख्वाह किस बात के लिए मिलती है? इसमें एक नया कानून बना है, वो कानून जनता का कानून है, उस कानून को लागू करवाना है वरना केवल कागजों में रह जाएगा। वो कहता है कि कोई भी बात हो दुनिया के, आपकी अर्जी हो, आपकी शिकायत हो, किसी भ्रष्टाचार की बात हो, कोई मांग हो, आपको कोई सड़क चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो, तो एक अर्जी लिखो, हम जाएं हमारे सबसे पास का दफ्तर कौन सा है, कौन सा है दफ्तर, पंचायत, तो हम जाएं हमारे पंचायत में। और अब कानून बन गया कि पंचायत, ये राजीव गांधी सेवा केंद्र यदि 10 से 12 खुला नहीं रहे, या तो सचिव या ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई होगी, सस्पेंड हो जाएगी। तो हमारा काम है सबसे पहले वो दफ्तर खुला रहे 10 से 12, कल नहीं परसों नहीं, रोज जिस दिन काम चले। दूसरा है कि हमारी जो भी बात है हम वहां जाए कागज दे रसीद ले, 10 से 12 बजे जाके कागज देना है, लेकिन केवल कागज देने से काम नहीं चलेगा, क्या करना है, उसकी एक लाल रंग की रसीद लेनी है, लाल रंग की, राती रंग की एक मठे रसीद मिले, तो वो रसीद लेनी है। इस कानून में क्या है, रसीद आते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, चाबी आपने चला दी, वो चाबी और वो गाड़ी 21 दिन की है कि 7 दिन के अंदर अंदर उसकी सुनवाई होगी आमने सामने, तो आमने सामने बात का कहीं मौका नहीं रहा। इस कानून में है, कानून में लिखा है कि आप मौका देंगे आमने सामने बात करने के लिए, तो ये सुनवाई का मौका क्या है, शुक्रवार के दिन जिस दिन कोरम होगा, पंचायत की बात है, मान लो पंचायत से म्यूटेशन की कॉपी लेनी, अपने दाखिल कार्ज की कॉपी लेनी, वो पंचायत का काम है, मान लो पेमेंट लेट हो गया, वो पंचायत का काम है, वो कोरम के दिन जाना है, लिखा होगा उसमें, और पंचायत ने नहीं किया किसी वजह से, काम हो गया तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आ गए रसीद ठीक है रख लिया, काम हो गया, काम नहीं हुआ तो हर शुक्रवार के दिन पंचायत समिति जवाजा में आना है, पूरे इलाके के लोग आएंगे जो शिकायत करता है, और वहां SDM साहब बैठेंगे और सारे अधिकारी बैठेंगे, तो इससे अलग नहीं निपटना है, JEN के ऑफिस अलग नहीं जाना है, ना AEN साहब PWD के ऑफिस में अलग जाना है, ना बिजली वालों से अलग मिलना है, सबके सामने SDM साहब सुनेंगे कि सुनवाई के अधिकार के तहत आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन के नीचे पहले सुनवाई होगी। अभी पहले हम इस तरीके से शुरू करेंगे कि वो लोग जिन्हें लाल पर्ची मिली हुई है और जो आज तारीख जिनकी लाल पर्ची पे पड़ी हुई है वो खड़े हो सकते हैं, आपका परिवाद हमारे पास पहुंच चुका होगा तो आपको अभी के अभी
सुनवाई करके जवाब देना हमारा फर्ज है। लिखित जवाब, केवल जवाब मुख जबानी नहीं, 21 दिन में लिखित जवाब मिल जाए। तो ये एक नया कानून है, लेकिन इसको चलाना है। नहीं चलाए तो वो खिड़की भी नहीं खोले, वो पंचायत भी नहीं खोले, और अपना काम भी आगे नहीं बढ़े। किस किस को मकान मिलना है वो उनको स्वीकृत हो गया, तो ये सीरियल नंबर से चलेगा और ये लंबा पूरा चलेगा, और जिसको स्वीकृत सेंक्शन हो गया उसका अमाउंट लिख दिया जाए। या राम सिंह से चालू, वो कौन से गांव का है, कितने रुपए उसके सेंक्शन हो गए, और कौन सी योजना से हुए, इंदिरा आवास से हुए या सीएम आवास से हुए। ये वेटिंग लिस्ट को क्रॉस नहीं करते हैं, ये इस वेटिंग लिस्ट से सबका नंबर आएगा, तो जिनका नंबर आ गया उनके यहाँ तो अमाउंट लिख दिया, और जिनका नहीं आया है उनका खाली है, तो वो अगले उस वित्तीय वर्ष में आ जाएंगे। तो अब लोगों को मन में रहता है ना कि मेरा पता नहीं कब आएगा क्या है, तो वो आके देख सकते कि भाई तुम्हारा मेरा नंबर यहाँ है। हम इनको ये भी कह रहे हैं कि आप उसका कब आएगा वो वित्तीय वर्ष में लिखो, ये समझो एक साल बाद आएगा, दो साल बाद आएगा, तो वो भी एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ लगभग नहीं, 479 टोटल है वेटिंग लिस्ट, तो इसका मतलब इस पंचायत में 479 लोगों के मकान बनेंगे। समझो ट्रांसपेरेंसी आने से लोगों के लिए अच्छा है। अभी जैसे आप माइक पर अनाउंस करके कहोगे ना कि आपका मकान का नाम आपको देखना, तो वहाँ जाके देख लो, उधर आके देखो, दीवार में आपका नाम लिखा है। सिमन सिंह, कुम सिंह भी है, हैगा खाता में नहीं। अरे भाई पुन भैया, हम राशि लिखी जो खास है, बस खाली है जिनका आने वाला है, बस हम खास में दिखे जो दिख रहे हैं, और कौन इसने जो कह सकता भाई हमारे को नहीं मिला। हाँ जी का नाम पे राशि चढ़ी, हाँ। कह सके भाई मतलब मिला नहीं हमारे 40 रुपया अपना नंबर है। सिंह बल्लावाड़ी 400 के बता देंगे दावट का है ना, ये वाला वाराणसी बाणापाय, ये आपका है जी। भी मालूम तो अभी चलेगा ना सर, इतने टाइम तक तो ये मतलब पता ही लग रहा था किसका नाम क्या है, तो अभी तो हमारे को फायदा होगा, अभी तो हम कर सकते हैं उस नंबर पे हमारा ये नाम है। जैसे अभी इस भाई का 299 कर्म संख्या पर है, तो अपने को पता लग गया, तो वैसा इनको करना चाहिए ना, हर चीज ऐसा दीवार पे लिखना चाहिए, हर चीज। तो किसी आदमी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कल हम लिस्ट मांग रहे थे वहाँ पे, किसी लिस्ट मांग रहे थे, वैसे भी अगर चैनल की लिस्ट भी ऐसा हो तो किसी को ढूंढने की लोगों को पता चल जाता ना। हाँ, ये सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, टॉप बात है, बिल्कुल कोई सारी बातों को छिपा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे साफ लिखी हुई, तो कम से कम ये पढ़ते लोग पढ़ के एक दूसरे को सुना भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं आराम से। ये भी तो रात को लिखी है एकदम से ही देंगे भाई, आपका पैसा आया यहाँ आगे और नहीं, 45,000 है, 22,000 मिल गयो, तो हमको भी 9 माह आ गया है। राजीव गांधी योजना है, वो है मोको है, हाँ जी, जोगिंदर सिंह, भैरव सिंह है, आ गया आपका, आ गया, आया आया। आप यहाँ है तो वहाँ आना है अभी, 10 मिनट में अभी चलो, आप चलो। गरे लायो घटिया, एक गोड बजे, हाँ हाँ, एक काम हर काम नहीं बैठे, तो काम करनो थी, ये करनो जो नहीं खबर पर अड़ी मारा दुखे कमर में, एक दिन बटी गया, एक दिन बटी गया नहीं बैठे, तो आज नहीं एक घंटा आधा घंटा बाद है। इसके 100 दिन तक बहुत लोग जिनने 100 दिन कंप्लीट, तो एक दिन कहे तो मतलब
आप यहाँ एस डी एम साहब आए हैं तो बहुत आपके घर आए राजन काटनी है सरकार नहीं पिताजी रहते भाई पसे अलग भी गया हाँ पिताजी रहते पिताजी शांत है गया भाई जो नए वाले में होगा ना अन्य तो मले गयो माधव भैया अन्य तो मले गयो मारे मिले नहीं नहीं तो अन्य बड़ नया फार्म तो भर देता था फार्म तो 5000 भी रहा कोई पता नहीं अब वाला जो बीपीएल क्या नाम है इनका राशन कार्ड अब जो नए जो फॉर्म भरवाए और मिल रहे हैं उसमें एक तो टैली हो जाएगा कि इन्होंने भर दिया या नहीं मकान पास कराने के लिए क्या सही सही बताओ है ना बोलवा में कहीं तकलीफ को नहीं जो सही बात है सही मकान पास करवा 2500 रुपया दिया अच्छा जन टाइम रखे तुम्हारा नाम आ जाए मकान पास वास्ते 2500 रुपया दीदा अच्छा वो तो बड़ा मांगिया था दादा लाओ अच्छा कड़े मांगिया सरपंच साहब दीदा बिल्कुल ये सब बोरी लीदा जो मैं दीदा की जाना लीदा का दीदा मैं सरपंच साहब से दीदा साहब दीदा हां कथा दीदा पदीश किने दीदा सरपंच साहब सरपंच दीदा हां नबी 2500 पास करवा दीदा पर थाने 22000 की किस्त मिली बणी मु बणी मने लीदा खाली दीदा मकान रा दीदा 3000 रुपया फार्म भरायो पास करावर बात है तो वो पास भी हो डोगरा नाम पे आयो कई मोती बा मकान बना रही है हां हां कतरो ऊपर कतरो आई गयो ऊपर आई गयो पट्टिया फर्क दो अच्छा और जन टाइम रा कोई बात भी के अब थारे अड़ में आवा थार मकान रा पया पास करो वन टाइम रा अतरा पया चाहिए केड़ी कोई बात भी ना वही वही कतरा रुपया लीदा 5000 तो पहला अलग लीदा के बाद में एकदम लीदा अच्छा एकदम दीदा में यानी मकान में पहली महीने दीदा पण के फसल फसल लिया ये मैं वहां वे आया मारे बटी पिया ने फसल दे दीदा वो कम अच्छा पहली किस्त पास भी वन टाइम रा दे दीदा हां अच्छा कणे लीदा पया वे बने सरपन लीदा खुदीस अच्छा अच्छा 1000 रुपया मगड़ो लीदा नीत मार मिस्टर नहीं आया मिस्टर नहीं आया नहीं आया वो कम और लोगों से भी लिया 2500 घर से एक निकाल नहीं अबे बोले नहीं बोले तो बोला इच्छा अच्छा अनादि हिसाब नहीं कहते बाबा अलग रही जने मकाम आई गयो जने वास्ते हां जने नाम आई गयो सब पाड़ो लीदा हां 2500 लीदा 2500 तो पास कराने के लिए अच्छा 2500 पास करावर लिए ओके तो लीदा रोका तो नहीं कि ये पांच नहीं देगा तो तेरे ये पैसे मैं तो वो किस्त ही नहीं दूंगा कि मकान भी तेरा नहीं आएगा बाबा तो की वल्की किस्त में बंद करा दूंगा नहीं दूंगा सरपंच साहब ने 1000 रुपए लिए सरपंच साहब का नाम उन्होंने बताया है रमेश चंद जैन में लिखित में उन्होंने दिया लगभग 29 लोगों ने कि 1000 रुपए हमसे उन्होंने काम को सेंक्शन कराने के लिए लिए एम साहब मौजूद थे वीडियो साहब मौजूद थे और सबके साथ लोगों ने कहा कि हमसे 1000 रुपए लिए सरपंच साहब भी बैठे आओ आ जाओ रमेश जी इधर आओ आ जाओ काम नहीं आया आज रोज नहीं कहीं काम आई नहीं ऐसे लोगों से पैसे लिए जिनके घर में रोटी मिर्च का भी ठिकाना नहीं है और लगभग हमें वो जो शिकायत मिली है उसमें सीएम आवास के लिए उन्होंने 2500 रुपए सेंक्शन के लिए लगभग 37 लोगों से तो 92500 रुपए होते हैं वो पैसा उन्होंने नरेगा सेंक्शन के लिए 1000 रुपए 30 लोगों से लिए तो 30000 रुपए होते हैं उन्होंने जो सीएम आवास जिसके पास हुए वो ऐसे लोग हैं जिनसे भी 5000 रुपए का यदि कैलकुलेशन करें तो लगभग 1,85,000 रुपए होते हैं संकट जी एक कहानी हो रहा है कई रात भी रहते कई भी वो समझो तो कई वो एक बार बताओ कई समझौता नहीं आगम साहब आया कोई पैसा था मेरा ये लोग का पैसा हमारे पैसा लीजा है कोई नहीं लिया पैसा नहीं लीदा देने आए पर इन्होंने नहीं लिए अच्छा तुमने नहीं लिए नहीं लिए देने आए थे देने को आए थे वापस से नहीं लिया तो भगा दिया है सर यहाँ पे भाग गया अभी भाग गया यहाँ से कौन है भाई ने लाओ जी दियो यहाँ उसर के काफी लोग आए थे रात को प्रेशर पड़ा इन पे अभी यहाँ लोग आए इनको डरा के भगा दिया लोगों आज सब आए आपके गाँव के सब लोग आए
अरे बोलेंगे इधर, बोलोगे पास में आ रहे, बोलेंगे सब कितना रुपया लीदा? 5,000। तो पहला अलग लीदा के बाद में एक एकदम लीदा। अच्छा देखो मेरी बात है कि तुम अपने लिए नहीं बोल रहे, गलत बात है, तुम अपने लिए नहीं बोल रहे, इन सब के लिए बोल रहे। और तुम जो यहाँ बोल रहे हमारे 100 आदमी के सामने, ये इनके मन इन पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ जो यहाँ बैठे हैं। कम हम लाए तुम गंदे बात है। अरे बाइक से बोल रहा हूँ और क्या चीज में बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? पैसे तो मिल गए ना वापस? भैया मिले कि नहीं? मिल गया। एक चीज बता दे, तो किस मुंह से इस चीज में इनकार करेगा ये बता दे मेरे को। मैंने लिया ही नहीं है सर, तो इनकार ही करूँगा। मैंने पैसे लिए ही नहीं, इनकार ही करूँगा। मैं बोला ना सर, मैंने पैसे लिए ही नहीं है। कर्म नहीं आती, गरीब व्यक्ति है, दीन गमे की, इनको बड़े मुश्किल से सरकार ने सैंक्शन किया 45,000 रुपए एक कमरा बनाने के लिए। आप किस हैसियत से आप ले सकते हो? एक एक उनके इनके घर के पानी तक नहीं पीना चाहिए आपको। अगर 5,000 लिया आपको, तो जो बनना चाहिए था शर्म से। और यहाँ खड़े होकर आप कह रहे हो जी मैंने पैसे नहीं लिए। कल आपने पैसे लिए हैं, आपने बयान में स्वीकार किया है, सबको पैसे लौटाए हैं। ये सत्य है, घट सत्य है, इसको तुम स्वीकार कर लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हारी तो ऐसी तेजी होगी, मैं गारंटी होगी। तो पैसे लौटाए तुमने सबको, और मैंने कहा था मेरे यहाँ 12 बजे आऊँगा इस मीटिंग में, उससे पहले एक एक रुपया उनको वापस उनके जेब में जाना चाहिए। ये और मैंने कहा था, ये सत्य है झूठ और हकीकत है। 500 आदमी हैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरह से जानबूझ के गलती का एहसास होता लोगों को, वो माफ भी कर देते तेरे को, क्योंकि लोगों को ही तुमने धोखा दिया है, वो तेरे को माफ करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। FIR तो दर्ज करने वाले वो है, कहते कोई बात नहीं, ये बात छोड़ देते, हम तो कहते कोई बात नहीं। ये मैसेज ये चाहता कि कुंभलगढ़ में ऐसा कोई गलती करेगा कोई, तो उसकी तो ऐसी सजा देंगे जो, और पेपर में ऐसे छापेंगे और फिर मुँह काला करेंगे जिसके पूरे राष्ट्र में जो है सबको पता चलेगा। जैसे सर लोगों की सुरक्षा का, क्योंकि रात को बहुत धमकियां मिली, तो लोगों की भी सुरक्षा हो 100% होगी, कोई बात नहीं रहेगी। ये तो बहुत है, अब इसके तो हम जांच करेंगे पूरी चीज कंप्लीट, इस दिन स्वयं जांच करेंगे, आप ज्वाइंट टीम बनाएंगे इसके, तो पुलिस बलों को लगा के इन्वेस्टिगेशन काम तो सुबह मोटा हमारी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लोगों के बयान लीजिए उन लोगों। अब हालात आप देख ही रहे हैं हम सब लोगों के सामने कि शोषण सहना तो है ही, इनको तो सहना ही पड़ता है। और वो अलग कि उनके उसके बारे में बोलने के लिए कितनी तकलीफ हो रही है हम देख रहे हैं इनके सामने, जबकि यहाँ जिले के कलेक्टर बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, SDM बैठे हैं, बोलने में कितनी तकलीफ है। तो जिस व्यक्ति ने अगर कुछ बोला है तो 100% जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उसके बाहर भी पंगा हुआ तो फिर उनको तो ऐसे झूठ लगाएंगे लोगों के, तो उनको थाने में बंद करेंगे और निकलेंगे नहीं वहां से, मतलब 2 महीने तक। आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करना है, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ। और आपके लिए मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी ले लीजिए आप, शंकर जी फोन कीजिए, आप दिन के 12 बजे रात के 12 बजे फोन कीजिए, और मैं आपकी धैर्य के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, इसके लिए आप लोगों को सलाम देना चाहिए। शंकर का परिवार तो आपके सामने है, लेकिन ऐसे खूब लोग हैं जिनकी उस खिड़की तक पहुंच भी नहीं, अगर आप उस तरह से देखें। और यही लोग हैं जो सारा चीज का सामना भी करते हैं। शंकर के पास राशन कार्ड नहीं, बात क्या है? क्या ये तो शिकायत थी कि राशन कार्ड नहीं मेरे पास, मेरा राशन कार्ड सागरी में था 97 में, 2002 में एक राशन कार्ड भाई को मिल गया, एक मेरे को नहीं मिला। सरपंच चाहे वो पैसा लेके काम करवाता है, चाहे वो मकान का मामला हो, खेत के कुछ काम का हो। ऐसे इन्होंने अब कितने लोगों को वापस पैसा मिला? पूरी पंचायत को दे दिए। कितने लोग? करीब लोग आपका साथ कर रहे हैं। हम तालियां बजाएं क्योंकि 50-60 लोग शंकर हिम्मत नहीं करता तो वो पैसे नहीं मिलते, जम के बजाएं। इनकी पत्नी है, बीमार रहती है, बच्चा कुपोषित है,
लेकिन झुंझुन में से एक चीज हुई कि इनके बच्चे को वो भर्ती के अस्पताल में इनको पोषण का वो दिया, इनको मिनिमम वेज मिला किया एसडीएम साहब की मदद से। तो मेरी एक ही है कि उस गांव में इनके जैसे और भी परिवार है, कम से कम वो बीपीएल तो हो और इनको राशन कार्ड मिले। कम से कम 10 साल से इंतजार कर रहे राशन कार्ड का, और राशन कार्ड ही नहीं मिला तो केरोसिन भी नहीं मिलता इनको। और ये हमारे देश में हर इलाके में है, और इसीलिए हमें ये एक हिम्मत करने के बोलने की बात इतनी हुई कि सुनवाई के अधिकार की यात्रा के दौरान इनके घर पहुंच गए, कहानी सुन ली, इनको थोड़ा सा इतना मौका मिला तो हिम्मत कर दी। आप और हम नहीं करते हिम्मत, उनको अपने सरपंच के सामने बोलने का हिम्मत किया, हम प्लेटफॉर्म देंगे क्या, हम सुनेंगे क्या, हम पहुंचेंगे क्या, ये। और ये केवल सरकारी लोगों से बात नहीं है, आपके और हमारे, हम जो एक्टिविस्ट हैं हमारी भी बात, कि हम भी क्या ऐसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम कितने दूर तक जाने के लिए तैयार हैं। हम भी सुन लेते हैं और सोचते हैं, और ये लंबी लंबी लड़ाइयां चलती रहती है, कुछ कुछ चीजें की कहीं ना कहीं सीमा आ गई है इस देश में, जिसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कुछ कहना, कुछ नहीं कहना।